मुंबई पुलिस ने दो ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में पूर्वाभास के तहत बनाई जा रही इमारत में सस्ती कीमत पर फ्लैट देने का लालच दिया करते थे। इन दोनों ने पुनर्विकास के नाम पर करोड़ों रुपए फिएट लिए। इन ठगों का आपस में बाप बेटी का रिश्ता है। वहीं ठगी का शिकार हुए लोगों ने जब अपने दिए हुए पैसे वापस मांगे तो इन दोनों ने उल्टा धमकियां देना शुरू कर दिया। बहरहाल पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ ठगी और जालसाजी का आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इन दोनों ने बचने के लिए कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है। तो ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने और ये लोगों को सस्ते फ्लैट दिलाने के नाम पे पैसे उनसे ठगा करते थे। और जब इन लोगों को पता चला सच्चाई का, इन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने पैसे वापस देने के बजाय उन लोगों को ही धमकियां देना शुरू कर दिया। देखिए, ये मामला ऐसा है कि कांची सा और मनीष सा बेटी और बाप हैं और इन दोनों का मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये फ्लैट के नाम पे एक इनकी प्रॉपर्टी है दादर में साह साधन करके, जिसके रिडेवलपमेंट का प्लान करके ये सबको झांसे में लेते हैं और उनको बताते हैं कि मैं आपको इसमें फ्लैट हम आपको देंगे और उस प्रेटेक्स में लोगों को चेक भी देते हैं, प्रोमिसरी नोट भी देते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं और उसके बाद मैटर को प्रोलोंग करते हैं। ना तो ये कभी फ्लैट देते हैं, ना तो इनकी ऐसी कोई कंपनी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़।